दूल्हे के मामा साहब नमस्कार सत श्रीकाल आदाब आप सभी को वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग होने वाला है, हम लोग जा रहे हैं रोहित जो हमारे साथ काम करता है उसकी शादी में, जो कल बारात जाएगी, आज हम लोग उसके फंक्शन में जा रहे हैं। और हम लोग निकल चुके हैं मैक्लोडगंज से और काफ़ी लंबा सफ़र है, 1.5 घंटे का रात का बाइक में। तो पूरा कोहरा लगा हुआ है और ठंड का भी मौसम हो गया है, हम लोग जैकेट पहन के निकले हुए हैं, पहन लिए। और ये जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच चुके हैं हम धर्मशाला के, और यहाँ से हमारे को कम से कम 24 किलोमीटर दूर है। और हम लोग निकल गए धर्मशाला के जस्ट टी गार्डन वाले रास्ते से, और टी गार्डन के रास्ते से जस्ट नीचे निकले तो चीला करके कोई जगह रास्ते का नाम है, चीला गढ़ी, तो उस रास्ते हम लोग निकल चुके हैं। ये लाड़ा जी का घर, तो हम लोग पहुंच चुके हैं लाड़ा जी के घर में। ये है लाड़ा साहब, नमस्कार। तो लाड़ा जी का आप सभी को नमस्कार। और बड़े मुश्किल से आए हम लोग, अभी जो घर दिखाया था आपको किसी और का घर था और फिर लोगों से पता किया तो बोला कि इनका घर तो कहीं और है। फिर हम लोग पैदल आए, बगल में जस्ट बगल में ही है। तो सारे टीम हमारी यहाँ पहुँच चुकी है, द ऑल लेजेंड्स, ऑल लेजेंड्स आर हियर। ये है मामा साहब, दूल्हे के मामा साहब। तो जीवन जी हमारे सर्वर बने हुए हैं कोल्ड ड्रिंक के, बाकी हाय गाइस पीने वाले। हाँ आगे बोला गाइस के बाद क्या, फिर बोला पी रहे कोल्ड ड्रिंक, बोला हाय गाइस आगे फिर हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे, इससे आगे बोलने नहीं आता है। साहब आए सबको वेलकम करने के लिए।
की समापन करते हैं। शादी चली हुई है और हम लोग अब निकलने वाले हैं यहाँ से। छप्पर और के सारे के सारे छपरी छपरी भाई छपरी। बाय गाइस। बाय बाय।